हाय गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट इन द प्रीवियस वीडियोस। आई वाज प्लानिंग कि मैं 7 डेज की गैप पे एक वीडियो डालूं, और जिससे कंटेंट थोड़ा सा फ्रेश बना रहे। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा थॉट कितना सही है। मैं इस सेक्टर में पहली बार घुसा हूँ, तो प्लीज़ डू हेल्प मी आउट विद दैट। अभी एक फिर से एक आर्टिकल आया है द वायर का, साइंस द वायर का, जिसको एक आईआईटी के व्यक्ति ने लिखा है, और उसमें उन्होंने एक 2010 बेस्ड यूके स्टडी को उन्होंने कवर किया है, और किस उन्होंने बताया है किस तरीके से जो आयुष मंत्रालय है और जो होम्योपैथी है वो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही है, एक प्रोपोगंडा क्रिएट कर रही है कि आर्सेनिक एल्बम 30 जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। और इन्होंने इसमें बताया है कि यूके में 2010 में एक जो स्टडी कंडक्ट हुई उसने किस तरीके से डिक्लेयर किया कि जो होम्योपैथी है ये फॉल्स है, और ये जो है ये पब्लिक सेक्टर के लिए एक डेंजरस चीज़ है। और इस बेसिस पे 2017 में यूएस के पार्लियामेंट ने कम्प्लीटली होम्योपैथिक पे बैन लगा दिया। प्रभु, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टडीज़ होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी एलोपैथिक कंपनीज के द्वारा फंडेड होती हैं, और इन स्टडीज़ को जो कंडक्ट करने वाले लोग होते हैं वो MBBS होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप मेरे हाथ में एक रॉकेट बनाने का टास्क दे दीजिए या मुझे बोल दीजिए मैं जाके ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दूँ, तो मैं नहीं कर सकता। मुझे उस चीज़ की मैंने पढ़ाई नहीं करी है। आपको अगर बोल दें कि आप जा करके एक सर्जरी कर लो, आप नहीं कर सकते। तो हम हमेशा एक स्टडी के लिए एक एलोपैथिक को क्यों चूज़ करते हैं, चाहे वो स्टडी आयुर्वेदिक बेस्ड हो, चाहे वो स्टडी होम्योपैथिक बेस्ड हो, चाहे वो स्टडी एलोपैथिक बेस्ड हो, तो वो तो भाई साहब कर ही रहे हैं, बट हम बाकी सेक्टर्स की स्टडी में उन्हें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम उनके हाथ में पूरी कमान दे सकते हैं, ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। और आप अगर थोड़ा सा पढ़ें तो आपको रियलाइज़ होगा कि जितने भी फॉरेन में स्टडीज़ होती हैं जिनका लैंसेट हमेशा हवाला देता आया है, जिनका ये लेफ्ट बेस्ड जो पेपर्स हैं हमेशा हवाला देते आए हैं, ये जो स्टडीज़ होती हैं ये होम्योपैथिक स्टडीज़ एलोपैथिक डॉक्टर्स द्वारा कंडक्ट करी जाती हैं। सो बेसिकली अ पर्सन इज़ ट्राइंग टू यूज़ अ टूल दैट ही डजन अंडरस्टैंड। ठीक, तो इस चीज़ का विशेष सर ध्यान दें आप। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली कि होम्योपैथिक वालों ने जो आर्सेनिक एल्बम का डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्लेम कर दिया कि जो है अफेक्ट नहीं, जो कोविड से अफेक्ट नहीं हुए केसेस। सर, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चाहे द वायर के जो एडिटर हूँ वो इसको सुन रहे हों या आप लोग उन तक अगर इसको पहुँचा सकें, तो जब भी हमने आर्सेनिक एल्बम बांटी है लोगों को, उसके लगभग हफ्ते 2 हफ्ते, कुछ जगहों पर 1 महीने बाद लगातार कॉल्स गई लोगों के पास, और लोगों से पूछा गया कि आप तक आर्सेनिक एल्बम पहुँचे कि नहीं पहुँची। फिर उसके बाद क्या आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार या इस तरह के कोई भी सिम्टम आया इस बीच में कि नहीं आया, अगर आया तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, और इस दवा को लेने के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम्स थी तो उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी में क्या अंतर आया और आपकी जनरल हेल्थ में क्या अंतर आया। ठीक, और उसके बाद इन स्टडीज़ को क्यूमुलेटिव तरीके से सीसीआरएच को भेजा गया, जिसके बाद इसको आईसीएमआर को प्रेजेंट किया जाएगा, और उसके बाद इस तरह क्लेम्स किए जा रहे हैं कि जो आर्सेनिक एल्बम है वो प्रिवेंटिव हो सकती है। अभी भी मैं पर्सनली अपने थॉट एस्पेक्ट से बोलूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आर्सेनिक एल्बम प्रिवेंटिव ही है, आर्सेनिक एल्बम प्रिवेंटिव हो सकती। दूसरी चीज़ जो आपने हमें बताया कि जो होम्योपैथिक वाले जो होते हैं ये एक फॉल्स स्टडी है, एक सूडो स्टडी है जो हमेशा जो है इस तरीके के नैरेटिव्स को लेके आती है। सर, जो साइंस है ये हमेशा उन चीज़ों को जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई है उसको हमेशा सूडो बोल देती है। आपने अगर टेस्ला की हिस्ट्री पढ़ी हो, मेरे ख्याल से आपने नहीं पढ़ी होगी, तभी आप इस तरह के कमेंट्स कर पाते हैं। टेस्ला को अनसाइंटिफिक बोला गया है, पर आज हम सबको पता है कि टेस्ला ने हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हैं। एनी थिंग दैट द साइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम कैन नॉट प्रूव इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सूडो अंटिल अनलेस द साइंस इज एबल टू प्रूव इट। आज से पहले आप नैनो पार्टिकल्स को प्रूव नहीं कर पाए थे, एक पॉइंट आया जब नैनो पार्टिकल्स प्रूव होने शुरू हुए, नैनो पार्टिकल्स प्रूव होने शुरू हुए उसके बाद ही तो आप आगे बढ़े। स्टार्टिंग में तो बोला गया था मॉलिक्यूल इज द बिगेस्ट स्ट्रक्चर, आपने उसको एटमिक लेवल पे लेके गए ना, एटमिक लेवल के बाद आप उसके अंदर भी घुसे। तो किसी चीज़ को क्लेम करने से पहले प्लीज़ प्लीज़ गो थ्रू इट, और जो उस लिटरेचर के जो मास्टर्स हैं आप उनसे बात करिए अपना ज्ञान बखारने से पहले। जितने लोग द वायर जैसे आर्टिकल्स को पढ़ते रहते हैं, प्लीज़ आप इन चीज़ों पे आके और इन चीज़ों पे आके बात करिए, आप इन चीज़ों को डिस्कस करिए आप, क्योंकि वरना इस तरीके के लोग हमेशा आपको दबाते रहेंगे, आपको क्वैक्स बोलते रहेंगे, आप पे 10 तरीके एलिगेशंस लगाते रहेंगे, आपको अनसाइंटिफिक बोलते रहेंगे। तो इन लोगों पे बात करिए, इन पे डिस्कशन करिए, फोरम्स बनाइए, इन पे डिस्कशन करिए, उनको दिखाइए हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। और द वायर, आप लाख प्रोपोगंडा करते रहिए,
बट हमारी फ्रटर्निटी जो है हमेशा हेडस्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है और आप जैसे लोगों के अगेंस्ट हमेशा खड़ी रहेगी. सो टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. जय हिंद.